अगर हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा के आ जाऊंगा। भाई भंडारे में जाने के लिए भी मेकअप करती हैं लड़कियां। फाइनली गाइस हमें ना हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, नाम बता दो अपना। मतलब ये जो पानी है ना उधर से रोकना है, उसके बाद इस वाली पाइप से पानी आएगा। भाई कहाँ है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। दोस्तों इस व्लॉग की शुरुआत सुबह आज 8 बजे हो रही है। बाकी यार रात की ना इतनी ज्यादा बारिश लगी है, मतलब इतनी ज्यादा दोस्तों अब डेली बारिश हो रही है ना रात को, हद मचा रखी है। और हिमाचल की तरफ दिल्ली की तरफ तो इतना ज्यादा आपने देखा होगा न्यूज में कि इतना ज्यादा पानी चढ़ गया ना, बहुत ज्यादा भयंकर तबाही हो रही हिमाचल में। कुल्लू मनाली में तो बहुत ज्यादा भयंकर सीन थे यार। बस दोस्तों भगवान से यही प्रे है यार, कोई बंदा नहीं मरना चाहिए और किसी का घर नहीं जाना चाहिए। हमारे भी देख लो अभी फिर से बारिश वाला मौसम बना है, लेकिन हमारे ना इधर बाढ़ आ नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा दोस्तों ऊपर पे है इलाका, तो बाढ़ का डर तो हम लोगों को है नहीं, लेकिन लैंडस्लाइड का डर है इधर ना। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होते हैं, सामने ही देखो कल परसों एक लैंडस्लाइड हुआ उधर। बाकी नाले नूले तो हैं, बाढ़ बूढ़ आने का तो डर है नहीं हम लोगों को, लेकिन हो सकता है यार भगवान पे है, कुछ भी कर सकता है भगवान। बाकी आज का व्लॉग ना मैंने थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया क्योंकि ये आपको पीछे बैल दिख रहा, मैं इसको छोड़ने गया था। बाकी इधर देखिए हमारी दादी जी सुबह उठ गए, पापा शेविंग करने लगे हैं। जा रहे क्या? कहाँ जाना है? इतनी तबाही हो रही नीचे, पानी वही हिमाचल हिमाचल में बहुत ज्यादा पानी आ रखा। चाय दो, चाय सही है फिर तो। चाय रख दी मम्मा ने मेरे रूम में सुबह, खाली है कब, कहाँ है चाय? अच्छा वो रखी है मम्मा ने चाय। तो चलिए दोस्तों सुबह की चाय पीते हैं, फिर उसके बाद यार ऐसी बारिश में कुछ काम भी तो नहीं है। वो कल जो बबरू बनाए थे ना वो खाऊंगा यार, चाय के साथ ना बहुत टेस्टी लगते हैं वो। जा ले क्या है तो कुछ भी है खाने को यार, भूख लग रही सुबह सुबह। देखिए दादी ने सुबह क्या काम करा है, ये लकड़ी लगानी है इसको छोटी सी। क्या बोलते हैं इसको हमारी भाषा में? पीड़ा। पीड़ा बोलते हैं दोस्तों इसको, बैठने वाला मतलब इसमें ना किचन कुचन में बैठते हैं। ये तो उधर से टूट रखा, दादी ये लकड़ी लेके आ रखी। आ गई मम्मा मेरे लिए सुबह फुलका ले, गर्म करके लाए। सही है फिर तो। रात की सब्जी थी वो दे दो, कद्दू बनाया था ना कद्दू दे दो भाई, कद्दू के साथ खाऊंगा। कल तो मेरे को इतनी ज्यादा भूख नहीं थी, सुबह सुबह भूख लगी आज। और ऐसी बारिश में ना कुछ भी हम लोग काम नहीं कर सकते, मतलब ना पशुओं का काम कर सकते हैं ना ऐसे कुछ घर का काम। घर में बैठेंगे मस्त खाएंगे पियेंगे, 4-5 दिन जितनी बारिश चलेगी उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा घर से। बस करो तो चलिए दोस्तों मैं खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको। अभी दोपहर का टाइम हो गया और अभी जाके ना थोड़ी बारिश शुरू की है, मतलब सुबह से आपने देखा होगा पीछे व्लॉग में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। और ये देखो मम्मा जी आज लिपाई कर रही, और हमारे पहाड़ों में ना ऐसे होती है देखो गोबर से लिपाई। और ये गोबर कितने दिन में लिपते हो आप? और ये जो गोबर की लिपाई कर रही है ना मम्मा, ये हफ्ते में एक बार करनी पड़ती है, मतलब इस हफ्ते करिए अब अगले हफ्ते करेगी मम्मा ये। और अभी कुछ देर पहले ना इधर सांप निकला था तो यार मैंने इधर से इधर फेंका, वो फेंकना तो मुझे नीचे था, और ये देख लो इधर बहुत ज्यादा घास है तो सांप सूप का ना इधर बहुत ज्यादा डर है, मतलब ये मोहल्ले वालों की है। क्या करें यार मोहल्ले वालों का है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। और आज ना हमारे इधर यार एक धाम है तो मैं तो जा नहीं सकता यार धाम में, तो धाम धूम का तो बाद में सोचेंगे, पहले यार मैंने ना सुबह से मुंह भी नहीं धो रखा क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश थी, तो मैं सुबह से पड़ा ही था मतलब बिस्तर पे, और मेरे को थोड़े कपड़े भी धोने थे आज अपने, लेकिन वो हम कल धोएंगे जब धूप लगेगी ना मस्त चारों तरफ तो फिर धोएंगे कपड़े। और इधर देखो बारिश की वजह से यार पूरा ना ये बह गया, इधर मैंने खड्डा बनाया था बहुत दिन लगाए थे यार उस खड्डे को भी, मतलब पहले वो बनाया उसके बाद भरा पत्थर से, और अभी पूरा मतलब मिट्टी से वो हो गया। वैसे एक बात है यार बारिश के बाद ना हमारे पहाड़ों में मतलब हमारे गांव में मौसम देखो मस्त हो जाता है, ये देखो ना हरे भरे खेत और ऊपर से देखो बादल, मतलब सही है यार गांव का मौसम ना बेस्ट है। जाएगी तू? हाँ अभी आई पशुओं से, जल्दी हो जा फिर रेडी। तो अभी जो है ना यार मेरी तैयारी हो गया उधर धाम में जाने की, मैंने कंफर्म तो नहीं करा है यार कि धाम है या क्या है उधर, अगर भंडारा हुआ ना तो मैं खा सकता हूँ खाना, अगर धाम हुई तो उन्होंने लहसुन प्याज फिर डाला होगा, फिर मैं नहीं खाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ दिखा के आ जाऊंगा। ये लोग तो अभी इधर देखो मेकअप करने में लगे हैं, भाई भंडारे में जाने के लिए भी मेकअप करती हैं लड़कियां। तो चलो यार अगर हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा के आ जाऊंगा, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। अब ना यार मैं इधर फंस गया हूँ, मतलब इनका कुत्ता है यार आगे, तो कुत्ते से तो यार मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं जहाँ कुत्ता होगा ना मैं नहीं जाता यार उधर। कुकू
भाई चिल्ला रहा हूँ, घर से भी कोई नहीं निकल रहा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा यार, बट ऐसे मैं जा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब गीला होगा ये साइड साइड में जो मिट्टी लगाई है। तो चलिए जी, अभी मेरे साथ आगे यार इनका छोटा सा लड़का। और एक और बात यार कंफर्म हो गया मेरे को कि उधर ना भंडारा ही है चंडी माता का। तो चलो चलते हैं अब, ऐसा ऐसा रास्ता है। और सामने देखो पेड़ पे कितनी नाशपाती हो रही, मतलब अभी तो ना इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखो कुत्ता भी आ गया, चल चल कर। और ये देखिए देसी चक्की में पानी ऐसे लगाते हैं, मतलब ये जो पानी है ना उधर से रोकना है, उसके बाद इस वाले पाइप से पानी आएगा। ये देखो आगे इन्होंने सिस्टम पता क्या लगाया है, अंदर से तो कुछ ऐसी है देसी चक्की। ये देखो वो थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, और नीचे से कुछ ऐसा है। ये देखो भाई ऐसे दिखेगा ही नहीं। और यार नीचे जो सिस्टम था ना वो इन्होंने पता नहीं यार कहाँ छोड़ा है, वो खोल के लेके गए हैं ना, कहाँ लेके गए हैं, घर लेके गए हैं दोस्तों। वो सिस्टम जो मतलब पानी को घुमाता है, ऊपर से पानी सीधा पड़ता है ना उस पे प्रेशर में, तो वो घूमता है नीचे, तो वो पता नहीं यार कहाँ लेके गए हैं ये, मतलब रिपेयरिंग करवाने लेके गए होंगे। बाकी चलो चलते हैं, बाद में दिखाऊंगा कभी मैं आपको। एक चीज दिखा रहा वो देख, वो क्या कहाँ है, वो तो छोटा सा है भाई। फाइनली दोस्तों पहुंच गए यार इनके घर, भाई चलो चलते हैं खाते हैं भाई। चलिए भाई खाना मिल गया, खाने में ये आज फाइनली गाइस हमें ना हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। नाम बता दो अपना, क्या नाम है आपका? लज्जिता। कहाँ से हो? डेली वीडियो देखते हो? थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है यार जब सब्सक्राइबर मिलता है ना कोई अपना, बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ उनके घर से खाना खुना खा के। बाकी यार कुछ मेरे फैन भी मिले थे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दोस्तों मेरे से मिलते हो ना, तो मतलब एक अलग ही लेवल की मतलब प्राउडनेस फील होती है। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने कुछ करा है यार लाइफ में। पैसा तो हर बंदा कमाता है, मतलब हम लोग एक फैमिली की तरह जुड़े हैं एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या पता यार मैं आपसे अच्छे से मिल पाता हूँ या नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को बहुत दिल से प्यार करते हो अपने भाई को। ऐसे दोस्तों दिल से सपोर्ट करते रहना अपने भाई की, मतलब अगर यार मैं आपसे नहीं भी अच्छे से मिल पाऊँ ना तो तब भी आप सपोर्ट करते रहना। बाकी चलो चलते हैं घर। भाई कहाँ है, कहाँ है भाई साहब, कहाँ है? बहुत बड़ा है क्या? इतना मोटा है कैसे? कहाँ यार साहब मिल गया इनको? ये 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 झूठ यार, तुम लोगों ने ऐसे ही देखा होगा यार कीड़ा। हमने थोड़ी ना देखा, सांप नाग था। नाग था? तुम्हारे नाग निकलता है? तेरे को पता है? मेरे को तो मिला नहीं गाइस सांप, इनको दिखा यार मोहल्ले वालों के घर निकला था। है अंजलि? बड़ा था? हाँ। कौन था जो हमारे निकलते थे वही तो नहीं था? हाँ, वो भाई वो ना बहुत खतरनाक सांप है यार। भाई देखो जैसे मैं घर पहुंचा और पशु भी पहुंच गए घर। अंजलि को भोंक रहा। ए, पकड़ ले पकड़ ले, चल चल, कोई नहीं आना चाहिए घर में, तेज हो रहा है आजकल। आया आया अंजलि। फिलहाल दोस्तों अभी जो है ना रात के यार 9 बज चुके हैं। बाकी खाना मैंने घर में भी आके खा लिया था, उधर भी खा के आया था, लेकिन उधर उतना ज़्यादा नहीं खाया था मैं, चावल उतने ज़्यादा खाता नहीं, कम कम चावल कर दिए हैं क्योंकि हमारे ना डेली यार चावल ही बनते, तो बहुत ज़्यादा कम चावल खाता हूँ। तो अभी मैंने घर में खाया मक्की की रोटी और साथ में दही खाया। तो दोस्तों आज के व्लॉग को मैं इधर ही रोक रहा हूँ, तो आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई आपका मिलेगा कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, टेक केयर।